सो दोस्तों, इस वक्त जो बात हो रही है पाकिस्तान में वो इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स की हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोल्टा इलेक्ट्रिक के स्टॉल पर और फरजाद साहब मौजूद हैं जो हमें डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि इनके पास बेहतरीन किस्म की इलेक्ट्रिक बाइक्स खड़ी हुई हैं। अस्सलाम सर जी। वालेकुम सलाम। तो फरजाद भाई, ये बताइए कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का ख्वाब पाकिस्तान में देखा जाता था वो अब सामने आ गया हमारे, ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताइए कि इसकी क्या बैटरी पावर होती है, क्या माइलेज होती है? इसकी बैटरी पावर होती है 60 वोल्ट 20 एम्पियर है, ओवरनाइट ये चार्ज होती है और ये 70 किलोमीटर चलती है वन चार्ज पे, और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम है वो 1.5 यूनिट लेती है ये वन चार्ज पे, और बैटरी लाइफ इसकी 1.5 साल है और 1.5 साल बाद इसकी बैटरी की रिप्लेसमेंट है। तो कंपैरेटिवली अगर हम पेट्रोल से कंपेयर करते हैं तो 3 टाइम्स का फ़र्क आता है, क्योंकि इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट उतनी नहीं है जितना हम साल का जो है वो पेट्रोल, फिर उसके बाद ट्यूनिंग होती है, फिर उसके बाद चेन है और उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं जो हम सर्व कर देते हैं बाइक पे। तो इट्स 100% कॉस्ट सेविंग, फ्यूल सेविंग, बहुत एक्सेलेंट चीज़ है ये, और माशाल्लाह हमें 2 साल हो चुके हैं, दिस इज़ द थर्ड ईयर। पाकिस्तान में जो ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल की कंपनीज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो इनकी प्राइसेस में उनकी प्राइसेस में कितना डिफरेंस है? हमारे प्राइसेस में इस वजह से फ़र्क है बिकॉज वी आर द पायनियर्स, वी आर द ट्रेंड सेटर इन इलेक्ट्रिक बाइक्स, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अभी भी जो है दूसरी कंपनी से हमारी कंपनी में जो है रेट्स का जो है वो डिफरेंस है। इस वक्त एक नॉर्मल 70 की प्राइस इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड वाइड के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रो लोकोमोटिव जो हैं वो नॉर्मल वाली लोकोमोटिव से जो है ना हमेशा से महंगे होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो हमने जो है इसकी प्राइस जो है कंपैरेटिवली जो भी कंपनीज़ हैं उससे लो रखी हैं, और ये कि अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 15,000 to 20,000 का डिफरेंस है। वैसे नॉर्मल मैं अगर बात करूँगी, ये 70 खड़ी है, इसकी क्या प्राइस है? देखिए इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो है 120, और ये कि इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 135-138 है इसकी मार्केट प्राइस। और ये बहुत ही खूबसूरत सी स्कूटी खड़ी हुई है यहाँ पर, और पड़ोसी मुल्क के बाद अब लग रहा है पाकिस्तान में भी स्कूटी का दौर आने वाला है। हमारे बड़े शहरों में, खासतौर पर कराची में, हम देखते हैं कि हमारी बहनें की जो है वो मोटरसाइकिल हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। सर ये मिक्स यूनिट है, ये CBU CKD है, हमारी कंपनी में आता है, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं जिसकी वजह से हम क्लाइंट को जो है वो आफ्टर सेल्स दे। ये दिस इज़ 49 cc, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है कि ये टॉय के अंदर आती है, बट ये कि यू कैन टेक दिस थिंग एज अ 70, बिकॉज इसका टॉर्क हो गया और इसकी परफॉर्मेंस हो गई, सीटिंग कैपेसिटी हो गई, वही है। और ये जो है यूनिसेक्स है, ये जेंट्स भी चलाते हैं, ये लेडीज़ भी चलाती हैं, जो इसका शेप है। और इसकी अंदाजन कॉस्ट क्या है पाकिस्तान में? इसकी कॉस्ट 1,35,000 है। ठीक है फाजद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।